अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में देखेंगे कि आप अपना ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम इसकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे कि आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल को डाउनलोड करने के लिए और इसको फ्री एक्टिवेट करने के लिए क्या तरीकाकार है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे डाउनलोड ऑटो कैड, ऑटो कैड को डाउनलोड करना सीखेंगे लेसन नंबर 2 में, और उसके अलावा हम देखेंगे कि आप ऑटोडेस्क के थ्रू इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसको इसका यूजर अकाउंट बना के साइन इन कैसे कर सकते हो और इसको फ्री आप 2 ईयर के लिए कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम, आपको भी ब्राउजर ओपन करें। यहाँ पे आप टाइप करें ऑटोडेस्क, AUTODESK, ऑटोडेस्क, कंट्रोल एंटर कर लें। फिर आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आप देखें मेन्यू पे क्लिक करें, तो मेन्यू में आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करें और यहां पे आपने फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है आपने। इससे पहले जिन लोगों ने ऑटोकैड मैकेनिकल और ऑटोकैड सेवर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उसका तरीकाकार कुछ डिफरेंट था, लेकिन वो भी इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप सर्च करें ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, क्लिक करें इसके ऊपर और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अगर साइन इन आपने अपना ऑटो कैड में अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन करके आप इस पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट नहीं बना हुआ ऑटो डेस्क में, तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, कंट्री सेलेक्ट करें, जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का सिलेक्ट करें, पाकिस्तान में रहता हूँ पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ से आप सिलेक्ट करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहां से सिलेक्ट करें। ओके, स्टूडेंट हैं आप, जो भी आप यहां पे लिख सकते हैं, मैं स्टूडेंट हूं। टाइप सेकेंडरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के, कॉलेज यूनिवर्सिटी हूं, स्कूल का नाम लिखें, स्कूल की वेबसाइट लिखें। ओके, लिखने के बाद अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम आपने देना है, अपना लास्ट नेम देना है, ऑटोडेस्क का यूजर नेम आपने चूज करना है, मेरा आपने जो भी नाम लिखना है, जैसे कि मेरा तैमूर परवेज है, मैं तैमूर परवेज नाम यूज करूंगा। ईमेल एड्रेस आपने देना है, और वो वाला ईमेल एड्रेस देना है जो आपका अभी एक्टिव हो, काम कर रहा हो, चाहे जीमेल का हो, यो का हो, जो भी ईमेल है, आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, कन्फर्म ईमेल देना है, पासवर्ड देना है और कन्फर्म पासवर्ड देना है। देने बाद टर्म एंड कंडीशन तीनों को आपने चेक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा, और आपका जो अकाउंट होगा वो आपने वेरीफाई करना है अपने जीमेल में जाके, अपने यहाँ से वेरीफाई करना है, जीमेल में जाना है, यहाँ पे आपके पास अकाउंट आ जाएगा और आपने यहाँ से इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है ऑटोडेस्क के अकाउंट को। ओके, जब भी वेरीफाई हो जाए आप नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और आपने फिर क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन में जाके, मेरे पास अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं बना सकता, साइन इन में जाता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ, साइन इन करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तैमूर परवेज एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम और पासवर्ड यहाँ पे आपने देना है वही जो आपने दिया हुआ है। कीप मी साइन इन करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ओके, मेरा नाम, मैंने पासवर्ड गलत दिए। क्या मेरा साइन इन हो जाएगा? ओके, साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद आपने यहाँ पे ये करना है, सॉफ्टवेयर आप कौन सा डाउनलोड कर रहे हैं, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल 2015 करना है, 16 करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं 2015 पे क्लिक करता हूँ, 2015 आप करें,
लैंग्वेज आपने कौन सी यूज़ करनी है, इंग्लिश यूज़ करनी है, इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट पे ये काम करेगा, 32 पे नहीं करेगा, आपने 64 बिट ही चूज़ करना है। 64 बिट पे क्लिक करें। ओके तो आपके पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे इसने क्या दिया है, आपको सीरियल नंबर भी दे दिया इसने, प्रोडक्ट की भी दे दिए। अब ये सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की आप अपने पास लिख लें, दोनों लिख लें, क्योंकि जब इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलेशन में आपको ये चीज़ मांगेगा, तो आपने ये दोनों चीज़ अपने पास नोट कर लें, इंस्टॉल कर लें, और जब हम ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपने ये प्रोडक्ट के और सीरियल नंबर वहाँ पे ऐड करना है या लिखना है। ये काम करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, इंस्टॉल नाउ पे करते करें, नहीं तो मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, अगर डाउनलोड आप चाहते हैं आपका सेव भी हो तो आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करें, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें। अभी आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, देखिए प्रोग्राम आपका एक डाउनलोड हुआ है, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें। ये ऑटोडेस्क डाउनलोड मैनेजर है कि आप जिससे ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर सारे सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जो ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल भी करना है। डाउनलोड हो गया, अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये डाउनलोड भी मेरे पास डाउनलोड हुआ जी, किस नाम से सॉफ्टवेयर है मेरा, प्रोग्राम में होगा ऑटोडेस्क डाउनलोड मैनेजर, क्लिक करें इस पे, यस आई एक्सेप्ट। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप अपना ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। और देखिए जब मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे पास ऑटोडेस्क का एक मेल आया, और इस मेल में आप देखें जीमेल में मेरा आया, और यहाँ पे तैमूर और मेरा एक्टिवेट, 3 ईयर स्टूडेंट लाइसेंस मेरा एक्टिवेट हुआ, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, और सीरियल नंबर ये वाला है मेरा, प्रोडक्ट की ये, तो ये आपने सेव रखनी है। सेव रखने के बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के दौरान आपने ये प्रोडक्ट की और सीरियल नंबर वहाँ पर ऐड करना है। और अगर जिन स्टूडेंट्स को अकाउंट बनाना समझ नहीं आए कि आप क्रिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या किस तरह काम करते हैं, तो वो मेरे ऑटोकैड मैकेनिकल का लेसन नंबर 2 फॉलो करें, और वहाँ से वो डाउनलोड के लिए आप एक्टिवेशन कैसे करते हैं वो वहाँ से इसको देख लें, इस पर काम कर लें, तो मेरी वो वीडियो फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल से मैंने उसमें समझाया हुआ है कि आप अपना ऑटोडेस्क में यूज़र अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो ईजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है ऑटोकैड में ये बनाना। ऑटोकैड 2015 इंस्टॉल करें, 16 नहीं करना, क्योंकि मैं जो काम करूंगा वो ऑटोकैड 2015 में काम करूंगा। ओके इसको एक्सेस करें, अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखिए एप्लीकेशन को लॉन्च करें। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सी में ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर कह रहे हैं कि आप डाउनलोड करना चाह रहे, सेव करना चाह रहे, जो कि हमने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया था, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ऑटो ये बता रहे हैं आपको कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करूँगा यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे ऑटो कैड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो कैड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, और ये 5.76 GB इसका स्पेस है, तो जब कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपना फोल्डर, इस फोल्डर के बटन पे क्लिक करके आप वहां से डेस्कटॉप से अपना ऑटोकैड उठाएंगे, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ऑटोकैड, इसको ओपन करेंगे, और इसकी जो फाइल होगी, जैसे कि मैं आपको इंस्टॉलेशन आपको सिखाऊंगा, तो आपने उसी तरह इसको इंस्टॉल करना है। तो ये जब कंप्लीट हो जाए तो फिर अपने काम करना है, तो कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मेन 2-3 घंटे लगेंगे, तो जब तक ये कंप्लीट होता है आप इंजॉय करें ऑटोकैड को, और इसको कंप्लीट होने का वेट करें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, आप इसको इंस्टॉल करें और इस पर काम करना स्टार्ट कर लें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में देखेंगे कि आप अपना ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम इसकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे कि आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल को डाउनलोड करने के लिए और इसको फ्री एक्टिवेट करने के लिए क्या तरीकाकार है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे डाउनलोड ऑटो कैड, ऑटो कैड को डाउनलोड करना सीखेंगे लेसन नंबर 2 में, और उसके अलावा हम देखेंगे कि आप ऑटो डेस्क के थ्रू इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसको इसका यूजर अकाउंट बना के साइन इन कैसे कर सकते हो और इसको फ्री आप 2 ईयर के लिए कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम, आपको भी ब्राउजर ओपन करें। यहाँ पे आप टाइप करें ऑटो डेस्क, AUTODESK, ऑटोडेस्क, कंट्रोल एंटर कर लें। फिर आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आप देखें मेन्यू पे क्लिक करें, तो मेन्यू में आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करें और यहां पे आपने फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है आपने। इससे पहले जिन लोगों ने ऑटो कैड मैकेनिकल और ऑटो कैड सेवर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उसका तरीकाकार कुछ डिफरेंट था, लेकिन वो भी इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने आर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप सर्च करें ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, क्लिक करें इसके ऊपर और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अगर साइन इन आपने अपना ऑटो कैड में अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन करके आप इस पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट नहीं बना हुआ ऑटोडेस्क में, तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, कंट्री सेलेक्ट करें, जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का सिलेक्ट करें, पाकिस्तान में रहता हूँ पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ से आप सिलेक्ट करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहां से सिलेक्ट करें। ओके, स्टूडेंट हैं आप, जो भी आप यहां पे लिख सकते हैं, मैं स्टूडेंट हूं। टाइप सेकेंडरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के, कॉलेज यूनिवर्सिटी हूं। स्कूल का नाम लिखें, स्कूल की वेबसाइट लिखें। ओके, लिखने के बाद अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम आपने देना है, अपना लास्ट नेम देना है, ऑटोडेस्क का यूजर नेम आपने चूज करना है, मेरा आपने जो भी नाम लिखना है, जैसे कि मेरा तैमूर परवेज है, मैं तैमूर परवेज नाम यूज करूंगा। ईमेल एड्रेस आपने देना है, और वो वाला ईमेल एड्रेस देना है जो आपका अभी एक्टिव हो, काम कर रहा हो, चाहे जीमेल का हो, यो का हो, जो भी ईमेल है, आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, कन्फर्म ईमेल देना है, पासवर्ड देना है और कन्फर्म पासवर्ड देना है। देने बाद अब टर्म एंड कंडीशन तीनों को आपने चेक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा, और आपका जो अकाउंट होगा वो आपने वेरीफाई करना है अपने जीमेल में जाके, अपने यहाँ से वेरीफाई करना है, जीमेल में जाना है, यहाँ पे आपके पास अकाउंट आ जाएगा और आपने यहाँ से इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है ऑटोडेस्क के अकाउंट को। ओके, जब भी वेरीफाई हो जाए आप नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और आपने फिर क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन में जाके, मेरे पास अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं बना सकता, साइन इन में जाता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तैमूर परवेज @gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे आपने देना है वही जो आपने दिया हुआ है। कि मैं साइन इन करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ओके, मेरा नाम, मैंने पासवर्ड गलत दिए, क्या मेरा साइन इन हो जाएगा। ओके, साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर आप कौन सा डाउनलोड कर रहे हैं, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल 2015 करना है, 16 करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं 2015 पे क्लिक करता हूँ, 2015 आप करें,
लैंग्वेज आपने कौन सी यूज़ करनी है, इंग्लिश यूज़ करनी है, इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट पे ये काम करेगा, 32 पे नहीं करेगा, आपने 64 बिट ही चूज़ करना है। 64 बिट पे क्लिक करें। ओके तो आपके पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे इसने क्या दिया है, आपको सीरियल नंबर भी दे दिया इसने, प्रोडक्ट की भी दे दिए। अब ये सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की आप अपने पास लिख लें, दोनों लिख लें, क्योंकि जब इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलेशन में आपको ये चीज़ मांगेगा, तो आपने ये दोनों चीज़ें अपने पास नोट कर लें, इंस्टॉल कर लें, और जब हम ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपने ये प्रोडक्ट के और सीरियल नंबर वहाँ पर ऐड करना है या लिखना है। ये काम करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, इंस्टॉल नाउ पे करते करें, नहीं तो मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, अगर डाउनलोड आप चाहते हैं आपका सेव भी हो तो आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करें, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें। अभी आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, देखिए प्रोग्राम आपका एक डाउनलोड हुआ है, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें। ये ऑटोडेस्क डाउनलोड मैनेजर है कि आप जिससे ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर सारे सारे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जो ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल भी करना है। डाउनलोड हो गया, अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये डाउनलोड भी मेरे पास डाउनलोड हुआ जी, किस नाम से सॉफ्टवेयर है मेरा, प्रोग्राम में होगा ऑटोडेस्क डाउनलोड मैनेजर, क्लिक करें इस पे, यस आई एक्सेप्ट। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप अपना ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के, इंस्टॉलेशन में। और देखें जब मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे पास ऑटोडेस्क का एक मेल आया, और इस मेल में आप देखें जीमेल में मेरा आया, और यहाँ पे तैमूर और मेरा एक्टिवेट, 3 ईयर स्टूडेंट लाइसेंस मेरा एक्टिवेट हुआ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, और सीरियल नंबर ये वाला है मेरा, प्रोडक्ट की ये, तो ये आपने सेव रखनी है। सेव रखने के बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के दौरान आपने ये प्रोडक्ट की और सीरियल नंबर वहाँ पर ऐड करना है। और अगर जिन स्टूडेंट्स को अकाउंट बनाना समझ नहीं आया कि आप क्रिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या किस तरह काम करते हैं, तो वो मेरे ऑटोकैड मैकेनिकल का लेसन नंबर 2 फॉलो करें, और वहाँ से वो डाउनलोड के लिए आप एक्टिवेशन कैसे करते हैं वो वहाँ से इसको देख लें, इस पर काम कर लें, तो मेरी वो वीडियो फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल से मैंने उसमें समझाया हुआ है कि आप अपना ऑटोडेस्क में यूज़र अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो ईजी, इतना मुश्किल काम नहीं है ऑटोकैड में ये बनाना। तो ऑटोकैड 2015 इंस्टॉल करें, 16 नहीं करना, क्योंकि मैं एक जो काम करूँगा वो ऑटोकैड 2015 में काम करूँगा। ओके इसको एक्सेस करें, अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखिए एप्लीकेशन को लॉन्च करें। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सी में ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, जो कि हमने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया था। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ऑटो ये बता रहे हैं आपको कि ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करूँगा यहाँ पर, तो ये देखिएगा यहाँ पर ऑटो कैड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो कैड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, और ये 5.76 GB इसका स्पेस है। तो ये जब कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपना फोल्डर, इस फोल्डर के बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से डेस्कटॉप से अपना ऑटोकैड उठाएंगे, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ऑटोकैड, इसको ओपन करेंगे, और इसकी जो फाइल होगी जैसे कि मैं आपको इंस्टॉलेशन आपको सिखाऊंगा, तो आपने उसी तरह इसको इंस्टॉल करना है। तो ये जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने काम करना है। तो कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मेन 2-3 घंटे लगेंगे, तो जब तक ये कंप्लीट होता है आप इंजॉय करें ऑटोकैड को, और इसको कंप्लीट होने का वेट करें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, आप इसको इंस्टॉल करें और इस पर काम करना स्टार्ट कर लें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।